नमः शिवाय। दोस्तों, मेन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 12 जून 2024 को करने वाले हैं। इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों 12 जून 2024 को शाम के समय ये अपना परिवर्तन करेंगे। शाम 6 बजे ये वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये मिथुन राशि में 7 जुलाई 2024 तक गोचर करने वाले हैं। इस समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं। इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में शुक्रदेव आपको सकारात्मकता देने वाले हैं और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलना है। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, सभी प्रकार का भौतिक सुख, व्यापारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, मान सम्मान, क्रिएटिविटी, इन सब विषयों का कारक शुक्र को ही माना जाता है। ये वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर अगर ये प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित होते हैं तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक के व्यक्तित्व में और वाणी में आकर्षण देखने के लिए मिलता है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर शुक्रदेव अगर प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। शुक्र का बली प्रभाव जीवन में लगातार सुखों को प्रदान करता है, मान सम्मान को प्रदान करता है तथा जातक के जीवन में क्रिएटिविटी काफी ज्यादा लाता है और क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता मिलती है। क्रिएटिव क्षेत्रों में यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में अगर व्यक्ति प्रयास करे तो उसे कम प्रयासों में ही सफलता मिल जाती है। और अगर ये जन्म कुंडली में काफी नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना ज्यादा करना पड़ता है। मीन राशि वाले जातकों शुक्र के दुष्प्रभावों से लगातार वैवाहिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान की कमी बनी रहती है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र के डैमेज होने पर विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में लगातार धन का नुकसान होता है लेकिन विजय जीवन में नहीं मिल पाती है। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका आपके जीवन में यानी मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा। यह जानकारी जो है आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। मीन राशि वाले जातकों शुक्रदेव 12 जून 2024 को आपके फोर्थ हाउस यानी आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। आने वाले 24 दिनों तक यानी 7 जुलाई 2024 तक सुख भाव पर विराजित होकर कई प्रकार की अप्रत्याशित सफलतादायक परिणाम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में जिन जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में लाभ की कमी बनी हुई है, ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता मिल रही है, कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। मीन राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में यदि आपको किसी प्रकार की समस्या मिल रही है, देखिए यहां पर चतुर्थ भाव पर विराजित हैं तो परिवार का वातावरण जो आपके लिए है वो बेहतर बनने वाला है, पारिवारिक समरसता बढ़ने वाली है, सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में आपका जुड़ाव है, यदि आप उसमें सफलता चाहते हैं तो आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का जो फैसला है आपके पक्ष में आ सकता है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों के जीवन में ये जो समय रहने वाला है आपको भौतिक सुखों का लाभ दिला सकता है। यानी मीन राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से भूमि, भवन, वाहन,
खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी यदि आप अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं, तो इस समयावधि में आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है। और मीन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में शनि के 7.5 का प्रभाव है, तो जिन जातकों के जीवन में वर्तमान में वैवाहिक समस्याएं लगातार हो रही है, उन जातकों के जीवन में आपको शुभता शुक्र के प्रभाव से 24 दिन तक मिलने वाली है। अविवाहित जातकों के जीवन में जो जातक विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, ऐसे जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव के आगमन का योग भी बनने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए तो मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सफेद चीजों का दान जरूर करना चाहिए। दही, चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी चीज का यदि आप दान जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपको शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में गौशाले में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध भी करना शुभ रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करेंगे तो आपके लिए शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।